भाजपा का सबसे बड़ा वोट बैंक माने जाने वाला समाजी वर्तमान लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ है। दरअसल गुजरात के राजकोट से बीजेपी प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला के राजपूत समाज की महिलाओं को लेकर दिए गए बयान का विरोध अब तक जारी है। राजपूत समाज ने दूसरे चरण की वोटिंग से पहले राजस्थान में बीजेपी की वोट नहीं देने की अपील अभियान को और भी तेज कर दिया है और अपील के साथ पूरे राज्य में राजपूत समाज ने मोर्चा खोल दिया है। श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना 22 अप्रैल को सवाई माधोपुर पहुंचे, जहां उन्होंने रणथंभौर रोड स्थित एक होटल में बैठक की और समाज से बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील की। सुनिए मकराना ने क्या कुछ कहा। आज सवाई माधोपुर में राजपूत समाज का युवा ये शपथ लेता है पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा और चित्तौड़गढ़ में हुई घटना के खिलाफ हम लोग अब की बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। और अगर कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का फिर भी समर्थक है तो वो नोटों में दे। भारतीय जनता पार्टी को हम लोग अब की बार इस चुनाव में हम लोग अब की बार कोई समर्थन किसी तरह का कोई भी सहयोग नहीं करेंगे। माँ भगवती की कसम खाते जय हिंद जय भारत। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा एक मुट्ठी बाजरे के लिए दिल्ली की सल्तनत को खोना चाहती है तो राजपूत समाज और करणी सेना भी तैयार है। रूपाला के बयान के खिलाफ गुजरात सहित देश भर के राजपूतों में आक्रोश है, तो अब देखना होगा कि राजपूत समाज के वोट बैंक का खमियाजा के भाजपा को भुगतना पड़ेगा। इसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज़।